टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीआरडीओ में एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है दोस्तों, तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ में जो वैकेंसी आई है वो आया दोस्तों प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट यानी पीएक्सई में आया है दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट इसका डिटेल देख लेते हैं कि आप लोग क्या करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिस, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अप्रेंटिस वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी जो आई हुई है, यहाँ पर दिया गया है कि PXE यहाँ पे DRDO में आई हुई है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या डिटेल यहाँ पे आगे दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है कि आप लोगों के लिए ग्रेजुएट के लिए, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, तो ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे आया है। देखिए ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे देखिए मांगा है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा है दोस्तों, मैकेनिकल मांगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका तीन ब्रांच ही मांगा है केवल। और देखिए यहाँ पे आपको जानते हैं कि BBTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BBTech इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या BBTech मैकेनिकल होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे टोटल तीन 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 वैकेंसी है, और यहाँ पे स्टाइपेंड आपका कितना दिया गया है, 9000 रुपये पर मंथ दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा वाले के लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ डिप्लोमा वाले के दिया गया सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल, इन चार ब्रांचों में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 सीट है, 15 सीट है, 11 सीट है दोस्तों। यहाँ पे सीट काफ़ी अच्छी खासी आई हुई है यहाँ पे। और स्टाइपेंड की हम बात कर लेते हैं, तो स्टाइपेंड आपका यहाँ पे मिल रहा है 8000 रुपये पर मंथ, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ITI वालों के लिए क्या आया है, ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप आई हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट, यहाँ पे कारपेंटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक यहाँ पे आया है दोस्तों इन वैकेंसियों में। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नीचे की तीन वैकेंसी यानी कारपेंटर है, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक, उसमें आपको 7000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसको ऊपर की जितनी वैकेंसी है वहाँ पे 7700 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर में दिया गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दिया दोस्तों एवर दिया गया है, जो भी इंसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा तो ही आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे दिया कि अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल करना होगा यहाँ पे, ट्रेनिंग पेज से थ्रू ईमेल ओनली टू इतना। ठीक है दोस्तों इस पर आप लोगों को ईमेल करना होगा, आप लोग वहाँ पे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट इतना। देखिए दोस्तों यहाँ पे जा करके आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद दोस्तों अब सारा फॉर्म भर के इस ईमेल पे आप लोगों को भेज देना है अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि हैंड रिटन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट नॉट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी दोस्तों आप लोग को वहाँ पे टाइप कराना है यहाँ पे, जिसे एक पेज निकलवा देंगे दोस्तों, उसके बाद टाइप करके उसमें सारा डिटेल आप लोग फिल करवा देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया 2 सितंबर 2022, तो दोस्तों आपको 2 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। अभी दोस्तों बहुत टाइम है, अभी अब आज 2 अगस्त है, आप लोग को 1 महीने का टाइम है, आप लोग आराम से जा कर के कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों का सलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों सलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया द सलेक्शन बोर्ड ऑफ PXE विल गो थ्रू द एप्लीकेशंस एंड शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखिए बोला है कि आप लोग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों को जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा। उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जो भी कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्टेड होंगे उनका अपॉइंटेड लेटर उनको दोस्तों वहाँ पर ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है आप लोगों के पास, देखिए कुछ आप लोगों को जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए NATS पे रजिस्ट्रेशन ID चाहिए उनको दोस्तों, और यहाँ पे ITI है तो NAPS पे चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, ठीक है प्रमोशन स्कीम। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर दिया गया दोस्तों द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट, पास आउट कैंडिडेट देखिए दोस्तों 2019, 2020, 2021 एंड 2022, इन चार साल में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आपको बोला है कि आप लोगों को 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, और दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो यहाँ पे भाग नहीं ले पाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि नो TADA विल बी प्रोवाइडेड, यानी देखो यहाँ पे TADA आपको कुछ नहीं मिलेगा,
आपको सिंपल से जो 8,000-9,000 रुपए पर मंथ वो सैलरी वहां से मिलेगी, बाकी आप रहना खाना आप अपने से मैनेज करेंगे। देखिए दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फोटो चिपकानी है दोस्तों, यहाँ पे नाम लिखना है, अप्रेंटिसशिप कैटेगरी में आप कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग को सारा चीज लिखना है, यहाँ पे डिटेल से परसेंटेज वगैरह मेंशन करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर आप डिजिटली कर सकते हैं, चाहे तो बिना डिजिटली भी सिग्नेचर आप यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आप इतना सब कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हार्ड रिटेन एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, दोस्तों हैंड रिटेन आपको नहीं करना है और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से इनकम्प्लीट नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग इसको टाइप करवा लीजिएगा किसी भी साइबर वाले के यहाँ जाकर, वो वहाँ पे टाइप कर देंगे, चाहे तो आपका खुद का लैपटॉप है तो आप वहाँ खुद से टाइप कर सकते हैं दोस्तों। ये फॉर्म आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, और देखिए टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वैकेंसी कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे और दिया गया 17 नंबर दिया कि ऑल करेस्पॉन्डेंसेस इन दिया दोस्तों नीड टू बी एड्रेस्ड टू, देखिए दोस्तों इनके वेबसाइट पे आपका ईमेल के थ्रू आएगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करवा के निकलवाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपको खुद से नाम नहीं लिखना है, सारा डिटेल आपका दिया गया है आप लोग इसमें भर देंगे, उसके बाद इसको आप लोग जा करके वहाँ पर सबमिट कर देंगे PDF बना के।